कुछ भी लगाने से पहले बालों को कॉम कर लीजिए। ये जो आज मैंने फॉर्मूला बताया है ऑयल का, ये इसको आपको हफ्ते में 3 बार लगाना और 3 बार हेयर वॉश करना है। गर्मी के दिन वैसे भी चल रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। और मेरे प्रीवियस वाले वीडियोज़ में जाके देखना है जहाँ पे मैंने बताया है कि आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या पीना है, जैसे कड़ी पत्ता वाला जूस मेरा बहुत फेमस है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, आंवला है या ओमेगा फैटी एसिड, क्या खाने, कौन से विटामिंस खाने, पहले वो सारी चीज़ें ठीक कर लीजिए और फिर इस तेल का इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में 3 बार। एक्चुअली संडे में करना चाहिए था मुझे, कल मैं बहुत ही थक गई थी तो आज भी मैं दिन भर घूम के आई हूँ। तो पहले मैं लगाऊंगी हेयर ऑयल और उसके बाद मैं लगाऊंगी फेस पैक जो है डीटैन करेगा फेस को। वैसे तो सनस्क्रीन बचाता है, फिर भी कोई भी चीज़ स्किन पे भी अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने चेहरे को धो लीजिए माइल्ड सोप से या क्लेंज कर लीजिए दूध के साथ, रुई की फाँक भिगा के पहले क्लेंज कर लीजिए अच्छे से, फिर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी आप चीज़ें डालोगे पैक में वो अंदर। दोस्तों जैसे कि मैंने आज कहा कि आज मैं दिन भर थोड़ा धूप में घूम के आई हूँ, जो मैं कभी नहीं घूमती है, देखिए 2-4 पतले बाल, तेल लग चुका है, अब है चेहरे की बारी। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोटस का है 3-in-1 डीप स्किन क्लेंजिंग फेशियल फोम। इसके साथ हम लेंगे ओट मील का ये स्क्रब, क्योंकि स्किन पे थोड़ा हो गया है आज हल्ला सन का, इन स्पाइट ऑफ सनस्क्रीन। अगर एक ही दिन आप बहुत देर के लिए बाहर है तो बेटर है कि शाम को आप क्लेंजिंग करके फेस की डी टैन पैक लगा दें, क्योंकि जितना दिन टैन आपके फेस पे रहेगा उसको मुश्किल हो जाएगा ठीक करना। तो चलो अभी मैं फेस धोती हूँ फिर मिलती। तो ये कर लिया है मैंने अपना फेस वॉश, इसके बाद मैं इसमें बहुत माइल्ड ये लगाऊंगी ऑयल जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, कुमकुम आदि ऑयल, तो जो भी डस्ट है वो भी निकल जाएगा। और जिन लोगों की स्किन बहुत बहुत ड्राई होती है, अगर वो माइल्ड ऑयल से ऐसे डीप क्लेंस कर ले स्किन को बिफोर अप्लाइंग अ पैक, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये देखिए तो काजल वाजल यहाँ फंस ही जाता है हमेशा, सी इवन आफ्टर द फेस वॉश। अब हम लगाएंगे अपना पैक, और ये पैक मैंने बनाया है, देखिए इसकी इरिटेट सी लग रही है सन में, डस्ट में, इसमें तो मैंने इसमें डाला है कॉफ़ी पाउडर, शुगर, मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर और एलोवेरा जेल। ये पतला बन गया मोटा बन गया मुझे पता नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट पैक, आप अपने हर एरिया में लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे कि सन एक्सपोज्ड है। ये ज़्यादा सूखेगा भी नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने 2-4 बूंदे बादाम ऑयल भी डाल दिया था, बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन। बेस्ट क्या है कि ऊपर तेल लगा है, पैक भी लगा है, फिंगर घूमे सेवा कर लीजिए। होम मेड पैक्स का है कि इसमें केमिकल फ्री होता है, तो आप आराम से अंडर आई, ओवर आई, सब जगह इसको लगा सकते हैं, बस आँख में मत जाने दीजिए, नहीं तो बोलेंगे यार मैम कुछ भी। चलिए ब्लैक पहना है, एक इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी, कस्तूरी हल्दी की कुछ मतलब ड्रॉप्स ही कह सकते हैं, वो भी डाला है मैंने। तो अब मैं सुखाने जा रही हूँ पैक, मिलती हूँ आपसे नहा धो के। Hey friends, so मैंने नहा लिया, 1 घंटे तक रखा था। Look at my skin. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्किन ड्राई होती है एक उम्र के बाद हमारी, तो मैंने ऑलरेडी पैक में ही ऐड किया था एलोवेरा जेल, दूसरा कि ठंडा हो स्किन, और दूसरा मैंने डाला था बादाम का ऑयल 2 बूंदे,
सो मुझे ये पोस्ट बाद भी देखिए, देर इज नो ड्राइनेस इन माई स्किन एंड देर माइट बी सम शाइन ऑल्सो। अब ये बाल भी देखिए, मैं ऐसे धो दिए हो जाएंगे बाउंसी। वीलॉग के अगले पार्ट में पता चल जाएगा। अब मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को सुनाई नहीं देता, और फ़ैन की ठंडी हवा में अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुलझा दूँगी। एक और चीज़ है, अगर आप बोलते कि हमारा हेयर लाइन पीछे जा रहा है, तो उसका ये रीज़न है, जब हम पहले भी बताया था फिर बता रही हूँ, यूं लेके ये जब आप बांधते हो और ये खिंच जाते हैं बाल, तो हेयर लाइन पीछे जाने लगता है। यस, तो हमेशा बाल धोने के बाद थोड़ा यहाँ से लीजिए आराम से, ताकि रूट्स पे स्ट्रेन ना आए, और फिर उसे सूखने दीजिए। और नेचुरली जितना सुखाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी इवेंट फंक्शन में जाना है, तो आपके बाल कभी ड्राई नहीं होंगे, स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, और कभी टूटेंगे भी नहीं। तो ये था मेरा समर हेयर केयर एंड द आफ्टर सन स्किन केयर। आई होप यू ऑल लाइक इट। सी यू लेटर सून, बाय। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अब तक किया नहीं चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। गुड मॉर्निंग, ये देखिए मेरे बाल, नेटवेट नहीं, नेचुरली ड्राइड है ये मेरे बाल, अच्छे लग रहे हैं ना, वेरी सॉफ्ट। जैसे कि आपने देखा मेरे बाल, इवन द स्किन जो मैंने रात में किया था, तो मॉर्निंग में मैं सनस्क्रीन है ये लोटस का 50 SPF। सनस्क्रीन का ये मतलब नहीं कि हम तो बाहर ही नहीं जा रहे घर के, सन तो सब जगह आता है ना अंदर, तो ये हर किसी को लगाना चाहिए, ताकि छाइयां, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन इस एरिया में, वैसे भी हार्मोन से भी होता है, वो होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल एकदम लिबरली उसको लगाइए आराम से, एकदम जो जो एक्सपोज्ड आपके पार्ट होते हैं फेस पे। तो ये लोटस का है SPF 50 का सनस्क्रीन, मुझे अच्छा लगा, वो थोड़ा बेस भी देता है, मतलब जैसे लैक्टोकैलामाइन आता है ना, वो वाला बेस, तो ऐसे लगता है कि लगा दिया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा ही होता है मुझे सुबह सुबह, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नाइट केयर रूटीन। यानी नाइट केयर तो वही होता है कि आपको क्लिनजिंग करना है प्रॉपरली, फेस साफ करना है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा नाइट क्रीम बताऊंगी जो आपकी स्किन को सॉफ्ट, सुबह उठेंगे तो अच्छा लगेगा, और जो फाइन लाइंस है वो भी कम दिखेगी आपको, और उसकी कॉस्ट कुछ नहीं होगी, मुझे लगता है 10 रुपये भी नहीं होगी अगर आप उसे बनाओगे जैसे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको DIY नाइट क्रीम की ईजिएस्ट रेसिपी बताऊँगी, जिसे बनाना है, रखना है, फ्रिज में रखिए ठंडा ठंडा लगेगा, बर्फ़ के इसमें रखिए ठंडा ठंडा लगेगा, उसको रोज़ रात में लगा के निकालना नहीं है, सो जाना है, ठीक है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखना है खुद को। तो अब हम बनाने जा रहे हैं नाइट क्रीम। तो इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्लेन ना लगे एलोवेरा जेल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, रोज वाटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन ई कैप्सूल। तो मैंने रोज वाटर के साथ थोड़ा केसर ये मिक्स कर दिया है, केसर इज वेरी गुड फॉर स्किन। तो पहले हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन की कुछ बूंदे, और फिर हम डालेंगे ये विटामिन ई। आप सब जानते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अब मैं डालूंगी ये केसर मिला हुआ, केसर से बाजू में निकालेंगे हम, आप रख भी सकते हैं अंदर चाहो तो। ये रोज वाटर है जिसमें मैंने थोड़ा केसर डाल दिया था, केसर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
अब इसे अच्छे से मिलाइए। मैं तो इस तरह से भी मिलाती हूँ इससे, इसकी मदद से। हेलो दोस्तों, आई होप जो आज मैंने आपको DIY नाइट क्रीम कर दिया है नुस्खा, वो आप जरूर आजमाएंगे और एक महीने के बाद मुझे बताइए कि आपकी स्किन में क्या निखार आया, क्या फर्क पाया आपने, ठीक है। और हेयर केयर भी मैंने आपको बताया ही है जो मैं कर रही हूँ, तो वो आपको हफ्ते में 3 बार करना है, यानी वो अप्लाई करके 1 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। जैसे अगर मैंने ये स्ट्रीक्स किए, ये कलर ड्राई किए हैं, इसलिए आर्गन ऑयल लगाएंगे आप तो वो बाल कभी ड्राई नहीं होंगे आपके, फ्रीजी नहीं होंगे। तो आई होप यू लाइक दिस होम रेमेडीज ऑफ माइंड, बहुत काम करती है। आप देखिए, कल मैं आई तो मुझे लग रहा था मर गई इतना धूप में, जबकि सनस्क्रीन थोप कर गई थी इतना, लेकिन देखिए टैन नहीं हुआ है, जैसे है वैसे ही है। अभी मैंने कोई लाइट वाइट नहीं लगाया है, लाइट वगैरह बचा के ही रहना चाहिए, जो नेचुरल रोशनी आ रही है उसी में शूट कर रही हूँ। तो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो द हेयर केयर एंड स्किन केयर। हेयर केयर का ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, 1 मंथ में देखिए कितनी ग्रोथ होती है। Day 1 में अपने बालों की ग्रोथ नाप लीजिए और 21 डेज बाद अपने बालों की ग्रोथ को दोबारा नाप लीजिए। मैं जानती हूँ कि आपको ये बिल्कुल गारंटीड रिजल्ट देगा और आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे थैंक यू बोलेंगे। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, क्योंकि उस पे ऑल ऑप्शन दबाएंगे तभी आपको नोटिफाई होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट्स का तो मुझे बहुत इंतजार रहता है। जेन्युइनली मैं चीजें करती हूँ, बताती हूँ, तो आशा करती हूँ कि आपको मदद आएगी और आप भी करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। तो इस बार के लिए इतना ही, मिलते हूँ जल्दी ही अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।